हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसा रहा आज आपका पेपर? क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, साइंस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई का जो पेपर हुआ था आज। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो है इंतजाम कर दिया है एमसीक्यू के सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन जो है तीनों इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ, और इसी वीडियो में आपको तीनों पेपर भी दिखाऊंगा ताकि आप ये देख लो कि पेपर कैसा था। दूसरे सेट वाले बच्चे देख ले कि हमारे सेट में दूसरे सेट से क्या अलग आया था। एमसीक्यू देखा जाता है, सिर्फ एक या दो ही एमसीक्यू अलग आए थे, बाकी सारे सेम थे, बस ऊपर नीचे थे। तो पहला वाला अगर हम देखें तो मैं लाइन वाइज दिखाता हूँ। सबसे पहले पहले वाले की बारी है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर जो है यहाँ पर बी, ठीक है, और दूसरे वाले का सी, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे का है सी, चौथे का है सी, पांचवे का है डी, छठे का है सी, आठवें का है डी। आप ये बिल्कुल आराम से देख सकते हैं सारे दिखा रहा हूं मैं। और आठवें का है बी, नौवे का है सी, दसवें का है सी, ठीक है। यहां पर साने सिन्हा लिख के इसने तंत्री का पेश संधि लिख दी, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो बाकी कैसा रहा पेपर आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी जो राय हो वो भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये देख लो, 11वें का है सी, 12वें का है सी, 13वें का है डी, 14वें का है आपका ए, ठीक है। फिर ये इंग्लिश मीडियम है, फिर 15वें पर आ जाइए, 15वें का है बी, फिर 16वें का है डी, फिर 17वें का ए, 18वें का बी, ऐसे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी का पेपर दिखा रहे तो फटाफट, और उसके बाद मैं आपको सेट टू फिर सेट थ्री दिखा दूंगा, ठीक है। इसका है सी और इसका है ए। जो सेट टू वाले ना एमसीक्यू के वीडियो को आगे कर लेना, ठीक है। अब सेट टू पर आ गई है, सेट टू के फटाफट देख लो आंसर। पहले का सी, दूसरे का सी, पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का बी, पांचवे का सी, छठे का डी, सातवें का बी, ऐसे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो। फिर आठवें का डी, नौवें का सी, दसवें का सी, ग्यारहवें का सी, ऐसे हिंदी मीडियम देख सकते हो आप। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 12वें का डी, फिर इसका सी, इसका डी, इसका ए, इसका बी, इसका है डी सी डी, 14वें का डी, 15वें का ए, 16वें का बी, ठीक है। 12वें का डी है, 13वें का सी है, 14 का डी है, 15 का ए है, 16 का बी है, ठीक है।
बाकी 17 का C, 18 का A, 19 का B, 20 का A है। अब बाकी का पेपर आप देख लो, ठीक है, 17 का C, 18 का A, 19 का B और 20 का A है, ठीक है। फिर बाकी आप देख लो, क्वेश्चन इसके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्पफुल हो जाएगा, जब उन्हें तीनों सेट के पेपर को देखना होगा तो आराम से वो देख पाएंगे। ऐसे अब लास्ट ईयर के जो भी है पेपर दे सकते हो, जो आपके पेपर रह गए हैं उनको देख सकते हो। ये 37 है, 38 है, 3 पर आ जाइए, ठीक है। स्टार्ट 3 को देखिए आप, स्टार्ट 3 में पहले का सी और सेकंड का है आपका बी। देखो सपोर्टिंग मटेरियल के जो बैक एक्सरसाइज के होते हैं लास्ट में उनको, और सपोर्टिंग मटेरियल में जो सॉल्यूशन किए होते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे का आपका डी, चौथे का आपका डी, पांचवे का सी, छठे का सी, सातवें का आपका सी, ऐसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का सी, यहां पर आपने देखा होगा साइनस पढ़ा होगा ना, तो ये डीपली दिया तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हुई होगी, ठीक है। छठे का आपका सी, क्योंकि इसने पहले मैटर बोला है मरकरी, फिर नॉन मैटर ब्रोमीन, दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और ये है सी इसका, आठवें का है सी, नौवे का एस सी, दसवें का एस सी, आठवें का आपका सी, नौवे का आपका सी और दसवें का आपका सी। फिर ग्यारहवें पे आ जाओ, ग्यारहवें का बी, बारहवें का सी, तेरहवें का डी और 14 का जो है तो चौदहवें का आपका सी। ये क्वेश्चन अलग आया था इसमें, ठीक है। तो अब ग्यारहवें का है आपका बी, बारहवें का सी, तेरहवें का आपका डी और इसका आपका सी, मतलब 14 का सी। फिर 15वें का ए, 16वें का आपका बी, 17वें का ए, 18वें का ए, 19वें का बी, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ये ए बी जो लगाए जाते हैं इसके बेस पे लगाए जाते हैं, जब दोनों ट्रू और रीजन ऊपर वाले का हो तो फिर हम ए पे टिक करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की चीजों से बन रहा है इसलिए ये नेचुरल है, इसलिए इसको हमने ये लिखा, ठीक है। तो 20वें का सी, ठीक है। उसके बाद अब पेपर देख लो और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा,
और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए सब आए इतना था डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साथ डियर स्टूडेंट्स, एंड मैं सबके लिए विशेष करता हूँ आप सब अच्छे नंबर से पास हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर साथ डियर स्टूडेंट्स।